हाँ जी सत श्री अकाल ते नाले जिहड़ी तुहाडी हुण ड्यूटी बनदी है चैनल नूं सबसक्राइब कर दो एदां उंगल मार के नाले बैल आइकोन बनिया हुआ घंटी जिही उहदे ते भी मार दो क्योंकि जदों कोई नवी चीज असीं होर पाई तां तुहानूं नाल दी नाल नोटिफिकेशन आ जूगी। टीटो पार पहुंच चुका है। पंजाब तो इलावा जे गल करिए राजधानी चंडीगढ़ की तां इत्थे भी हालात कुछ इसे तरह के ही ने। तस्वीरां बयान कर रही ने गर्मी तो बचण लई लोग ठंडिया चीजां का सहारा लै रहे ने। दूजियां तस्वीरां हुशियारपुर दियां ने। इत्थे भी पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी तो बचण लई लोग गन्ने दा रस पी रहे ने। हुण गल करदे हां रियासती शहर नाभा दी जिथे दोपहर वेले पै रही तेज धुप कारण सड़कां खाली दिखाई दे रहियां ने। पिछले कई दिनां तो मीं ना पैण कारण ते आसमान तो वर रही अग ने लोकां दा घर तो बाहर निकलना मुश्किल कर दिता है। जेकर लोग बाहर निकल भी रहे ने तां उह अपने आप नूं पूरी तरह ढक के बाहर निकल रहे ने। इस तपदी गर्मी कारण स्कूली बच्चे भी हालो बेहाल ने। अपनी सेहत दा ख्याल रखदे होए बचा रखना चाहीदा ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਰਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ 12 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बच के चलना चाहिए, स्कूलों छुट्टियां करनी चाहिए जिसको कि बच्चे की सेहत को नुकसान ना पहुंचा। दूजे पासे मौसम विभाग डायरेक्टर सुरिंदर पाल का कहना है कि हाले कुछ ही दिन इसे तरह ही गर्मी का कहर जारी रहेगा ते मई के अंत च गर्मी तो कुछ राहत मिल सकती है। भावे मौसम विभाग इस साल चंगे मानसून का अंदाजा लगाया गया है पिछले कुछ दिनों तो वर रही आसमानी अग ने लोगों नु हालो बेहाल कर दिता है। जेकर सच बोलना सच लिखना बगावत है तो समझो असी बागी हाँ। सच अते हक दी आवाज दुनिया दे हर कोने कोने दी गल पंजाब टीवी करेगा सच दा खुलासा। तुसी देखते रहो पंजाब टीवी सच अते हक दी आवाज़।